नमस्कार। जय सिया राम। राधे राधे। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कर्क राशि वालों का 22 सितंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। दोस्तों, अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें और आजमाने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर परिवार के बारे में। दोस्तों, घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आज से पहले अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध खराब हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो आज के दिन आपको अपने संबंध को मजबूत करना होगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आज के दिन अगर अपने प्रेम संबंध में आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो परिवर्तन करने से पहले अपने पार्टनर से आपको वार्तालाप करना होगा। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आज के दिन अगर अपने फिजूल खर्ची पे, अपने फालतू के खर्चों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले समय के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। दोस्तों, आज के दिन जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति मिले, आप वही काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग है हरा और फिरोजी। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7 यानी कि 7। दोस्तों, आज के दिन आप काली और सफ़ेद गाय को चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेव कमेंट कर दें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।